नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, संगम नगरी प्रयागराज में ग्राम प्रधान के 3 और क्षेत्र पंचायत सदस्य की 62 खाली सीटों पर आज नामांकन हुआ। 100 से ज्यादा लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। तमाम उम्मीदवार गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों की माला पहनकर नामांकन करने के लिए पहुंचे। इन सीटों पर 2 मार्च को मतदान होगा जबकि 4 मार्च को वोटों की गिनती होगी। दूसरी खबर, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। यूपीपीसीएस 2022 के इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं। ये इंटरव्यू तकरीबन 1 महीने तक चलेंगे। 1000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो मेंस परीक्षा में सफल हुए थे। तीसरी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान के को जिन 1 दर्जन मामलों में पहले जमानत मिली हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मामलों में जमानत की अर्जी निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। आज इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आजम खान की तरफ से अपना पक्ष रखे जाने के लिए कुछ मोहलत मांगी गई। अदालत इस मामले में अब 27 फरवरी को सुनवाई करेगी। 27 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो कोर्ट में आजम खान का पक्ष रखा जाएगा। चौथी खबर संगम नगरी प्रयागराज की है। प्रयागराज में आज से टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस को ख़त्म करने का विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुआ विशेष अभियान 5 मार्च तक चलेगा। इस दौरान ज़िले में जो 70,000 नागरिक हैं उनमें से रैंडमली चेकिंग की जाएगी। टीमें घर घर जाएंगी। 388 टीमों का गठन किया गया है और ये टीमें घर घर जाकर लोगों की पहचान करेंगी और जो पॉजिटिव लोग होंगे उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। पांचवी खबर वाहन चोर गिरोह से जुड़ी हुई है। प्रयागराज पुलिस ने आज वाहन चोरों के 2 गिरोहों को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी संख्या में वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा और पूरे नेटवर्क में जो लोग शामिल थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पुलिस आज जो खुलासा हुआ है उसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। तो ये थी संगम नगरी प्रयागराज की प्रमुख खबरें। बाकी शहरों की खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के डिजिटल नेटवर्क से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।